बहुत अच्छा है। हाँ जी अंशु आप आइए इधर, पहले इनकी फैमिली से मिलिए। हाँ छठ मैया से आप क्या नाम है आपका? हमारा नाम संतोष दुबे। क्या छठ पूजन का क्या विशेष महत्व है और महिलाएं क्यों व्रत रखती हैं? महिलाएं अपने पुत्र के लिए, अपने पति के लिए, उनकी दीर्घ आयु, उनका खुशहाली हो, इसलिए रहते हैं। और ये व्रत मतलब बिहार का सबसे बड़ा व्रत है और इसके जो भी मांगो मिलता है। इसमें 3 दिन से मतलब कल से उपवास रखा गया, अब कल मतलब अर्घ देने के बाद तब मतलब कुछ खाएंगे पिएंगे। पांडे जी, किस तरीके का छठ पूजन रखा जाता है, इसकी क्या नियम है और इसके क्या फायदे हैं? देखिए ये 3 दिन का व्रत होता है। सोमवार को हम लोग को नहाए खाए होता है और मंगल के व्रत रहते हैं और फिर बुध के व्रत रहते हैं। माने 3 दिन का व्रत होता है और ये सूर्य के उपासना है। हम लोग सूर्य की उपासना करते हैं क्योंकि छठी माई जो थी सूर्य की पुत्री थी और उन्हीं का पूजा होता है। क्या लोग अपेक्षा क्या मांग करते हैं, किस कारण? कोई भी आप मांगिए उनका पूरा जरूर होता है। आप मांगिए, या तो पीढ़ी दर पीढ़ी से हम लोग का चला आ रहा है तो इसीलिए हम लोग करते हैं। हाँ नया, और नया अगर आप उठाना चाहते हैं तो उसके हिसाब से आप जो भी आप मांगिए वो पूरा जरूर होता है।
सर आपका शुभ नाम क्या है और किस कार्यक्रम में सम्मिलित है और क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा नाम डॉक्टर शमीम अहमद है और मैं हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक हूँ और ये छठ पूजा सिर्फ किसी एक मजहब का नहीं है बल्कि इसमें तमाम लोग श्रद्धा के साथ माँ गंगा के तट पर आते हैं और बड़े धूमधाम के साथ गंगा जी के किनारे आके सूर्यास्त गंगा जी का सूर्य उदय होता है और सूर्यास्त होता है उसकी लोग आराधना करते हैं और अपने पुत्रों को और निसंतान जो और स्त्रियां होती हैं वो उनके बच्चों के संतान के लिए खुशियां मांगते हैं, खुशहाली की दुआ करते हैं और साथ ही साथ ये हमारा भारत एक हो, खुशहाल हो और तमाम जो ऊंच नीच जात पात का जो मामला वो खत्म हो जाए। हमारी इस छठ पूजा में यही कामना होती है और हर साल हम इस छठ पूजा के लिए हम 15-20 साल से मैं ये काम करते हुए आ रहा हूँ। अपने पूरे परिवार के साथ मैं इस छठ पूजा में पूरा सहयोग देता हूँ और साथ ही साथ जितना भी कार्य होता है सजावट का काम से लेके और मैं छठ पूजा का मैं संयोजक डॉक्टर शमी मोहम्मद खान। थैंक यू।